कोलकाता दुष्कर्म और हत्या मामले में पूरी तरह से हर जगह माहौल गरमाया हुआ है। उसी को लेकर आज आम आदमी पार्टी की महिला विंग भी राजघाट पहुंची है, जहां पर उन्होंने श्रद्धांजलि भी दी है और काफी यहां महिलाएं मौजूद हैं। तस्वीरों में हम आपको दिखाते हैं, आम आदमी पार्टी की महिला विंग और साथ में कई कार्यकर्ता महिलाएं यहां पर मौजूद हैं, जो कोलकाता जो मामला है, घटना है, उसमें कार्यवाही की सख्त से सख्त कार्यवाही की मांग को लेकर यहां पर महिलाएं जो है आज इकट्ठा हुई है। और राजघाट जो गांधी जी के जो राजघाट है, यहां पर आज वो महिलाएं पहुंची हैं और श्रद्धांजलि दी है। सभी महिलाएं यहां पर जो यही मांग कर रही हैं कि आरोपी को सख्त से सख्त जो है सजा दी जाए। जी, आप यहाँ पहुंची हैं जी, क्या मांग करती हैं आप? हम यही मांग करते हैं कि उस अपराधी को सजा दी जाए। जब वो पकड़ा गया तो उसे सजा क्यों नहीं दी जा रही? पहले ऑन द स्पॉट कानून बनना चाहिए कि जो इस तरीके के केस करता है, रेप करता है महिला का, तो उसको ऑन द स्पॉट, और भी जगहों पे है ये नियम कानून लागू कि उसे खत्म कर दिया जाता है। तो अगर एक बार ये कानून लागू किया गया तो आगे से करता हुआ हर कोई डरेगा कि उसको खत्म कर दिया जाएगा, तो ये घटनाएं कम हो जाएंगी मेरे ख्याल से। महिलाएं सुरक्षा और सुरक्षित महसूस करती हैं? महसूस नहीं कर सकती बिल्कुल भी, बेटियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उनको पढ़ाया लिखाया जाता है, उनको इतना काबिल बनाया जाता है, और एंड में माँ बाप को ये सुनने को मिले कि भाई उनकी हत्या कर दी गई है, और माँ बाप को, पेरेंट्स को ये फोन करके कहा जाता है कि आपकी बेटी ने तो सुसाइड कर लिया है। ये बहुत गलत बात है, उस लड़की के साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी हुई है, जो कि बहुत गलत बात है। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से राजघाट का नजारा हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में, यहाँ पर काफी संख्या में महिला, आम आदमी पार्टी की महिलाएं जो यहाँ पर जो पहुंची है और श्रद्धांजलि देकर यही मांग कर रही है कि आरोपियों को जो है सख्त सख्त सजा दी जाए, जिसको लेकर महिलाएं और महिलाओं से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या मांग करते हैं आप? हमें डॉक्टर जो जिनके साथ गलत हुआ है उनके लिए इंसाफ चाहिए। हम उनके इंसाफ के लिए लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे और उनके हक के लिए खड़े रहेंगे। अगर महिला सेफ नहीं है तो फिर हमारा जीने का हक भी नहीं है। आए दिन महिलाओं पे इस तरीके से, आए दिन महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, कहीं रेप हो रहा है, कहीं उनके साथ गलत हो रहा है, उनका कौन है फिर? हम तो ये चाहते हैं कि हर महिला साथ इंसाफ होना चाहिए। क्या कहेंगे आप, सुरक्षा है महिला सुरक्षित है क्या? सर, आज के वक्त में पूरे भारत में कहीं भी महिला सुरक्षित नहीं है। आप देख रहे हैं कहीं भी रात के समय, क्या आपकी बहन बेटी है? हम लोग भी, हम लोग इतने बोल्ड हैं, मगर क्या हम लोग भी रात में निकल पाते हैं? नहीं, हमें भी डर ना कहीं खौफ हो जाता है। तो रात में किसी की बहन बेटी भी सुरक्षित नहीं है, ना माँ बहन सुरक्षित है, यहाँ तक कि जो ड्यूटियां करती है, एक डॉक्टर है जो सबकी जान बचाती है, वो तो सुरक्षित नहीं है। तो आप क्या कहेंगे, सुरक्षित है हमारा समाज? बिल्कुल नहीं है। ठीक बिल्कुल, जिस तरीके से ये घटना हुई, पूरा माहौल गरमाया और लगातार सुप्रीम कोर्ट में भी ये फैसला गया, वहां पर भी सुनवाई हुई। तो आज आम आदमी पार्टी की महिला विंग भी राजघाट पहुंची है, जहां पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। दैनिक सवेरा के लिए अमन, दिल्ली से। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।